के अंदर और फाइट अभी भी एक स्टैंड स्टिल मोड में। बिल्कुल, दूसरी सारी टीम्स की बात करेंगे। चलिए, टीम सोल ने चार्ज करने को ठाना जरूर है। UP50 आप एक बार के लिए कह सकते हैं कि खुद को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा, बट सरकार का ये वाला ग्रेनेड उन्होंने कैंसिल करा। कैंसिल अगर वो ना करते तो शायद उनके लिए फायदा होता। चलिए, कम से कम एक बार फिर से उन्होंने ग्रेनेड कुक करा, सामने थ्रो किया है, कोई डैमेज नहीं पड़ेगा हेक्टर को, उन्होंने पहले से ही भाप लिया। बट इस चीज की मैं बात कर रहा था, UP50 खुद को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट जरूर करा है और अब थोड़ी सी मुश्किलात उनके लिए हो सकती है, बट ये काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका है कि कंपाउंड के अंदर आप स्मोक पूरी तरीके से बिखेर दें। सामने जो टीम रश कर रही है उनको भी अंदाजा ना चले कि जो टीम है या फिर जो प्लेयर है वो मौजूद कहाँ है। आदित्य साथ देते हुए दिखाई देंगे सरकार का, बट इस वक्त जिस तरीके से UP50 अपने आप को ढाल के बैठी हुई है, सोल का अंदर जाना बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। और खासकर गॉब्लिन, उनके पास तो कोई एंगल भी नहीं है जहां से अपनी टीम को कवर दे पाएंगे। और इसी के साथ सर्कल जाता हुआ वेस्टर्न साइड पे बड़े आसानी से, जो ACBC की स्क्वाड है इस चीज का फायदा उठाएगी। बट अभी भी आप इन दोनों को देखें, एक और लंबी फाइट। एल्पोटो का इलाका ऐसे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जरूर से रखता है। अक्षर स्पॉट करेंगे वहां पर प्लेयर्स को, अभी भी वो जो ओपनिंग नॉक है वो निकालने की जरूर से एक जहमत रह सकती है। और सर्कल अब दोनों ही टीम से दूर है, यानी कि फाइट तो लेनी पड़ेगी। 470 मीटर का फासला, आदित्य को वहां पे स्पॉट किया गया, वो अकेले पाए गए, उनको डाउन करा जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, वेलकम टू पिकाडो। टीम सोल यहां पर जरूर से करना चाहिए, कौन से को स्पॉट कर सरकार, उनको भी वहां पर डाउन किया जाएगा। कल जो कसर बाकी रह गई थी, आज एक एक करके वहां पर प्लेयर्स को स्पॉट करा जा रहा है, डाउन करा जा रहा है। UP50 पूरी तरीके से बैकफुट पर, वैसे भी जो प्रदर्शन था उनका वो उतना अच्छा जा नहीं रहा था। और अब मात्र दो खिलाड़ी बचते, एक 2v4 का सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो पोजीशन है वो अभी भी पता नहीं है ओपोनेंट्स की, बट अगेन टीम सोल को भी यहां पर सोचना पड़ेगा कि ये दो फिनिशेस ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सर्कल को अभी के लिए प्रायोरिटाइज करने के लिए जाएंगे। अगर ओपन में पुश करते हैं एक खिलाड़ी, ट्रिगर कंट्रोल दिखाते हुए भी वहां पर फिनिशेस निकाल सकता है ओमेगा। मेरे ख्याल से यहां से अब वो पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, बट मीनवाइल जंप एंड पंच करके एक प्लेयर यहां से हमें दूर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। शायद टीम सोल के प्लेयर से स्पॉट कर लिया KSR, वो छुपे हुए जरूर से, लेकिन वेज गॉड उनके पास हाइट कैच एडवांटेज, स्पॉट करके स्प्रे डाउन जरूर से कर सकते हैं, लेकिन अब पोजीशन उनकी भी रिवील्ड। UP50 पूरी तरीके से बैकफुट पर है, टीम सोल एक बार फिर से राइज करते हुए। देखिए, टीम सोल की यहाँ पे तारीफ जरूर बनती है, जिस तरीके से वो कंपोज तरीके से खेल रहे हैं, कोई गलती नहीं, कोई ओवर एग्रेसिव जो मूव है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अब रेज गॉड लास्ट प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से, डैमेज काफी ज्यादा पड़ा, अपने आप को हील करेंगे। बट दूसरे साइड पे ACBC वर्सेस इनिशिएटिव एकेडमी, उनकी फाइट जो है वो चलती हुई, बट आखिरी ग्रेनेड आएगा गॉब्लिन का, डाउन किए जाएंगे रेज गॉड, और इसी के साथ UP50 का एलिमिनेशन सबसे